वैसे तो सलमान खान ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, फिर भी उनके कैरियर में सबसे चहेती और बहुत ही स्पेशल मूवी का नाम लिया जाए तो आप उम्मीद नहीं कर सकते वो मूवी कौन सी होगी। मोस्ट ऑफ द फैंस बोलेंगे सलमान खान की बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी मूवी है, कोई टाइगर का नाम लेगा, कोई तेरे नाम का, कोई हम आपके हैं कौन है मैंने प्यार किया का। लेकिन सलमान खान अपने लाइफ में सबसे करीब मूवी जिसको मानते हैं उसका नाम है फिर मिलेंगे। ये एक ऐसी अंडररेटेड मूवी है जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के होने के बावजूद सिनेमाघरों में कब आई कब चली गई पता नहीं चला। और सलमान खान ने इस मूवी में न सिर्फ अच्छा काम किया है बल्कि रियल लाइफ में एक चैरिटी को अंजाम दिया है। एक्चुअली सलमान खान की मूवी जिसका नाम था फिर मिलेंगे, इसमें सलमान खान ने HIV पॉजिटिव का रोल प्ले किया था और ये एक ऐसा रोल था जो कोई भी बॉलीवुड का बड़े से बड़ा एक्टर नहीं करना चाहता था। मूवी की डायरेक्टर रेवती जो सलमान खान के साथ बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं, उन्होंने कई बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया, यहाँ तक कि शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार को भी अप्रोच किया, लेकिन किसी भी एक्टर ने इतने कमजोर रोल करने से मना कर दिया। सबको इस बात का डर था कि अगर वो स्ट्रांग रोल करते हैं, एक्शन हीरो हैं, अगर वो एड्स रोगी का रोल प्ले करेंगे तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। जैसे सलमान खान की बात मालूम पड़ी, सलमान खान ने रेवती को फोन किया और कहा मैं आपकी मूवी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तब सलमान खान के अलावा इस मूवी में अभिषेक बच्चन, शिल्पा शेट्टी कास्ट हो चुके थे। शिल्पा शेट्टी के वकील बनते हैं अभिषेक बच्चन और पूरा केस HIV पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर चलता है। हालांकि मूवी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी फिलाडेल्फिया का रीमेक थी, जहां पर डेंजल वाशिंगटन और टॉम हैंक्स ने बहुत अच्छा काम किया था। उसी का फीमेल वर्जन शिल्पा शेट्टी यहां पर लीड रोल प्ले कर रही थी। दरअसल ये पूरा किस्सा मूवी के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने बताया है और सलमान खान की दरियादिली की तारीफ की है। सलमान खान ऐसे टाइम पर जब वो रैम्बो, टर्मिनेटर वाले रोल कर सकते थे, उन्होंने एक HIV पॉजिटिव यानी एड्स के मरीज का रोल प्ले किया जो बहुत ही कमजोर होता है, एड्स का शिकार होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी इन्फेक्शन दे जाता है और साथ में बहुत ही बुरी मौत मरता है। ऐसे रोल को करने के लिए जिगरा चाहिए और सलमान खान ने जिगरा हमेशा से अपने पास रखा है। लोग सलमान खान को यूं ही नहीं तारीफ करते, सलमान खान सच में रिस्क लेने की किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अगर वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो। जब इसी किस्से को हाल में रेवती से पूछा गया, बिकॉज रेवती बहुत सालों बाद सलमान खान के साथ टाइगर फ्रेंचाइजी में नजर आती हैं, तब रेवती ने भी इसी किस्से को कन्फर्म किया था। और मजे की बात है कि सलमान खान ने इस मूवी में अपना एक्सटेंडेड कैमियो जो किया था उसे मात्र 1 रुपए में किया था। रेवती बोलती सलमान खान ने खुद से कॉल किया, खुद से मूवी में काम करने की इच्छा जताई और पूरी तरीके से फ्री में काम किया। सलमान खान की मूवी आज की डेट में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टीवी पर आती है, सहारा के पास इसके राइट्स हैं, फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं सलमान खान ने इतनी ऑफबीट, इतने डिफरेंट काइंड की सोशल मैसेज देने वाली मूवी में काम किया है। बड़े बड़े सुपरस्टार जब बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं तब उनकी चकाचौंध में कई बार छोटी और बेहतरीन फिल्में छुप जाती हैं। फिर मिलेंगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।